मैं अर्ज करूंगा, वैसे हम बैठे हुए हैं ईद के दिन है। देखिए, कुछ लोगों का मिजाज होता है कि उनको ये लगता है कि हम अपने आप को जितना रिजर्व रखेंगे शायद हमारी इज्जतें बढ़ेंगी, इज्जतें बढ़ जाएंगी। अच्छा वो दोस्तों में भी और कैमरे से हट के भी, बिला वजह। एक तो होता है ना कि इंसान को, एक आलिम को या किसी भी शख्स को बावकार होना चाहिए, अपने वकार से, इज्जत और वकार से घिरी हुई कोई बात ना करे और घिरी हुई कोई काम ना करे। लेकिन दोस्तों के अंदर इंसान उस वकार के अंदर रहते हुए एक मिजाज को अच्छा करके रखे। अच्छा, कुछ दोस्तों का होता है कि यार मैं जितना जो है ना वो एकदम प्रोटोकॉल में बैठूंगा उतना मेरी इज्जत और वकार बढ़ेगी। मैं अभी जमान भाई से ये कह रहा था, डॉक्टर साहब से गुजारिश कर रहा था कि देखे, एक तो हम बहुत 0 मीटर से, गुरबत से धक्के खाते 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 यहाँ पहुंचे, तो ये सारी राहें, ये रस्ते, ये झाड़ियां, ये कांटे, ये ये सब नशीबो देखे फरा, वाले सब कुछ देखभाल के यहाँ पर आए। और फिर जब इंसान इतने धक्के खा के पहुंचता है तो फिर भी इंसान अपनी जिंदगी को एंजॉय ना करे। हाय हाय, अपने दोस्तों के साथ खुशी मिली है तो उस खुशी को आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब मुझे, वाह वाह। और मैं आपको बताऊं कि खुशियां बांटने से या दोस्तों के साथ खुश रहने से कम नहीं होता है इंसान की सेहत, जवानी। डॉक्टर साहब, हमारी 50 उम्र होने वाली है, माशाल्लाह लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताला, उस खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। उसकी वजह यही है, एक तो अल्लाह ने जो आपको इज्जत और वकार दी है वो रब तबारक व ताला की अता है, आप उस पर खुश हो। बेशक। आप ये ना कहें कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। हम जहाँ पहुंच के, आप यकीन करें डॉक्टर साहब, मैं ओ कश्मीर का, हमारा हमारा इलाका है और उसके बाद 7 बॉर्डर है, और कश्मीर के उस इलाके में नादिहाल मेरा उधर है, नानिहाल इधर है, बीच में बॉर्डर है, पहाड़ों के बिल्कुल पीर पंजाल के वहां से उतर के हम आए और धक्के खाते खाते यहाँ पहुंच गए। यार इसके बाद क्या चाहिए आपको? अल्लाह उस खुदा ने इतना करम। और फिर अभी जमान भाई जिक्र कर रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर जहां ये तशरीफ ले जाते हैं, जो भी जिक्र करता है वो मोहब्बत से जिक्र करता है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी बात ये मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी, कोई गयाबत में आपके लिए 2 जुमले कह, दो जुमले, अच्छा मुंह पर तो सबने कहना ही है, मजबूरी है, गयाबत में पीठ पीछे को 2 जुमले कह दे, ये बहुत बड़ी बात। अभी हम बात कर रहे थे जुल्फकार की, देखो आज वो हमसे चला गया है लेकिन हर बंदा उसके अखलाक को, सीरत को याद करता है। यार हमारे साथ बैठता था, कभी उसके अंदर तंगी नहीं थी दिल के अंदर, कभी कोई ऐसी, ये इंसान चला जाएगा, ये पीछे बाकी रह जाएगा। और बिल्कुल सही, अल्लामा साहब का जिक्र किया मैंने।